वेलकम बैक एल एच टीवी इंडिया के एक नई वीडियो में मौसम को लेकर अभी भी एक फिर ताजा खबर निकल कर आ रही कि यूपी वेदर अलर्ट। अगले 24 घंटे यूपी के 48 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश, तेज तूफान की चेतावनी, इन सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें मौसम विभाग ने अब फिर खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड का दौर जारी है। गलन भरी ठंड ने लोगों को जीवन का अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं कई इलाकों में पड़ रहे घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से आवागमन पर असर पड़ रहा है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के लखनऊ केंद्र ने बताया कि अगले 24 घंटे सूबे में मौसम कैसा रहेगा। IMD के अनुसार आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और इसके आसपास के इलाकों में 48 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें बारिश और घना कोहरा पड़ेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच अगर बात करें कि मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए घने कोहरे और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो आपको बता दें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, गोंडा, श्रावस्ती, बैराज, कानपुर देहात, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, शामली, बागपत, मेरठ, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संबलगंज, जालौन, हमीरपुर और इसके आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर बात करें कि मौसम विभाग ने किन किन जिलों में अब फिर भीषण ठंड पड़ने को लेकर चेतावनी जारी की है, तो आपको बता दें मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर में अगले 24 घंटे अभी भीषण ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। इस बीच मौसम को लेकर ये भी खबर आ रही कि आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह व मोहम्मद दानिश के मुताबिक मौसम फिलहाल ऐसे ही अभी 3-4 दिनों तक खराब रहेगा। ठंडी पछुआ हवाएं हाड़ कपाने वाली ठंड का एहसास कराएंगी। अभी आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान और नीचे गिर सकता है। हरदोई, चुर्क, फतेहपुर, उरई, शाजापुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ में पारा 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में ये 8.8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं गया है। अब तक 3 दिन के तापमान में भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 3 डिग्री सेल्सियस तक की और कमी दर्ज की जाएगी। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में भयंकर ठंड का कहर लगातार जारी है। ठंड और कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ज्यादातर राज्यों में इस वक्त भयानक सर्दी पड़ने के कारण लोग जगह जगह पर अलाव जलाकर बैठे जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज भी उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी घने कोहरे और बारिश को लेकर भी आशंका जताई है। लेकिन क्या ठंड में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद है? आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत किनके राज्यों में मौसम विभाग ने कैसा मौसम रहेगा और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में किनके राज्यों में मौसम बेहतर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अभी उत्तर प्रदेश समेत इन सभी राज्यों में फिलहाल बारिश और कोहरे से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मौसम से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।